और दूसरा सवाल ये था शेख कि जैसे बहुत से भाई लोग मैं देखता हूँ कि कुरान मजीद मोबाइल में इंस्टॉल करके पढ़ते हैं, उसी मोबाइल में मूवी भी देखते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल पैर के नीचे भी आ जाता है, क्या ऐसा करना जायज है? पढ़ सकते हैं सर? दूसरा सवाल भाई का ये है कि कोई आदमी, किसी के पास मोबाइल है, उस मोबाइल पे वो कुरान भी सुनता है और उस पे वो गलत चीजें भी देखता है, तो क्या उसका ऐसा करना सही है? देखिए, अगर वो मोबाइल में कुरान पढ़ता है या कुरान सुनता है या तकरीरें सुनता है, दीन की बातें सीखता है, तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल है मोबाइल का। इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है? तो इस पर उसे अजर मिलेगा, और जो गलत काम वो करता है उस पर उसे गुनाह मिलेगा, और उसे इसे तौबा करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो उसी मोबाइल पर नेक काम भी करता है और उसी पर गुनाह का काम भी करता है तो जो उसका नेक काम है वो कबूल नहीं होगा। जो नेक काम करता है उस पर इंशाल्लाह उसे अजर मिलेगा, जो गुनाह का काम करता है उससे उसे तौबा करना चाहिए, उस पर उसे गुनाह मिलेगा। जी।